ये जुलूस सुबह 10:30 बजे यहाँ मदरसा महमूद गावान से निकलकर गावान चौक, मेन रोड, शाहगंज, अंबेडकर चौक, महावीर चौक, बसवेश्वर चौक, नई कमान, तालीम सिद्दीक शाह चौबारा से होता हुआ जामा मस्जिद पर कंक्लूड होगा। दिनांक 20/10/2021 आचरण शुरुआत पहले 20 तारीख को ईद हब्ब आचरण सामूहिक मेरवण निषेधी मोहल्ला नड़ये रीतिया हगल मत रात्रीय प्रवचन कार्यक्रम सांस्कृतिक कार्यक्रम सभी समारोह नूर की हूँ जनर उमेलू सामाजिक अंतर कडाय पालक मसीदि दर्गा सामाजिक अंतर कोविड 19 भ्रष्ट ಶಿಷ್ಟಾಚಾರದೊಂದಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮಗಳ ಜೊತೆಗೆ ದೈಹಿಕ ಅಂತರ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಮೂಲಕ ಈದ್ ಮಿಲಾದ್ ಹಬ್ಬದ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಧ್ವನಿವರ್ಧಕಗಳು, ಡಿಜೆಗಳು, ಸೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳಿಗೆ ಬಳಕೆಯನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದು ವಿಷಯ ಹಮಾರೆ ಪಾಸ್ ಡಿಜೆ ಕೋಯಿ ನಹೀಂ ಲಗಾ ರಹಾ ಸಿಟಿ ಮೇ ಅಭಿ ಗಣಪತಿ ಭೀ ಖತಮ್ ಹೋ ಗಯೇ ಇಸ್ಸೆ ಪಹಲೆ ಜೋ ಭೀ ಹಮಾರೆ ಈದ್ ಆಯೇ ಔರ್ ಕೋಯಿ ಹೈ ಲೇಕಿನ್ ಡಿಜೆ ನಹೀಂ ಲಗಾತೆ ಕೋಯಿ ಭೀ ಯೇ ಕೋಯಿ ಏಕ ಅಚ್ಛೆ ಬಾತ್ ಹೈ. ಡಿಜೆ ಸೇ ಬಹುತ್ ನುಕ್ಸಾನ್ ಹೋತಾ ಹೈ, ಸ್ಪೆಷಲಿ ಹಮಾರೆ ಬುಡೇ. ಬೀದರ್ ಇಸ್ ಫೇಮಸ್ ಫಾರ್ चैन और अमन के लिए. मैं भी 20-21 साल से देख रहा हूँ, कभी भी ऐसा कुछ ये नहीं हुआ. मैं जो है वो हकीकत बोल रहा हूँ. भाई भाई गणपति गली गली में रखते हैं, कुछ इंसिडेंट ऐसा ऐसा है वो ओल्ड सिटी में. इसके वास्ते सबको हमेशा के तरह चैन और अमन से ये शांतिपूर्ण से जुलूस ये करेंगे. इस चार बात बोलते हुए मेरा भाषण. अदालत ने जो ये सवर्ग मीटिंग जो यहाँ पर बुलाई है, मैं उसके लिए डिपार्टमेंट का शुक्रिया अदा करता हूँ. यकीनी तौर पर कोई भी मोमेंट हो, पुलिस को हमेशा चौकन्ना रहने की ज़रूरत होती है, और इसी चौकन्नेपन का मुजाहरा करते हुए इन्होंने ये पीस मीटिंग भी बुलाई है. सवर्ग सभी जिसको कहा जा रहा है आजकल. ये जो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बर्थडे के मौके पर हम जो ये जुलूस निकालते हैं, ये एक पीस प्रोसेशन है, और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमन के पैगाम को आम करने के लिए और लोगों में एक अच्छा मैसेज देने के लिए. सबसे पहले मैं हज़रत मोहम्मद पैगंबर के जन्मदिन की शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ. और कल जो मिलादुल नबी ईद मिलाद जो है, उसके लिए आपको एडवांस में कंग्रेचुलेशन बोलते हुए, हर साल की तरह हम भाईचारे का, जैसा कि हमारे सिद्दीकी साहब ने फरमाया कि हज़रत मोहम्मद पैगंबर की क्या ख्वाहिश थी, क्या कैसे उन्होंने चलाया, तो अगर उनके उसूलों पर अगर हम चलें तो मैं नहीं समझता कि कहीं भी कोई अशांति या कोई गड़बड़ होगी. तो हम सभी उनके उसूल पे चलते हुए, एक दूसरे से भाईचारा रखते हुए, बड़े शांति से और जोश के साथ ईद मिलाद का त्यौहार मनाएंगे. इसके लिए हम और ही ओर से आप सभी को एडवांस शुभकामना देते हैं, और आप सभी के रबीआलमीन वसलात वसलाम अला मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. मोहतरम बरादरान इस्लाम और शहरियान बीदर के तमाम साथियों, आप लोगों को इस बात की इत्तला देते हुए मैं बड़ी मसरत महसूस कर रहा हूँ कि कल
बरोज मंगल 19 अक्टूबर ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर यहाँ मदरसा महमूद गावान से एक मिलाद जुलूस का इनेखाद अमल में आ रहा है। ये जुलूस सुबह 10:30 बजे यहाँ मदरसा महमूद गावान से निकलकर गावान चौक, मेन रोड, शाहगंज, अंबेडकर चौक, महावीर चौक, बसवेश्वर चौक, नई कमान, तालीम सिद्दीक शाह चौबारा से होता हुआ जामे मस्जिद पर कंक्लूड होगा। मैं आप तमाम लोगों से इस बात की ख्वाहिश करता हूँ कि आप लोग इस अहम, मुकद्दस और फ्यूज़ और बरकात से मामूर जुलूस में ज़रूर ब ज़रूर शरीक रहें। याद रखिए, ये इंतहाई मुकद्दस और बाबरकत जुलूस है। इसमें आप वजू के साथ शामिल रहें और रास्ते में दुरूद पाक का विर्द करते रहें, नात गोई करते रहें, नारा तकबीर और नारा रिसालत के नारों के साथ आप जुलूस में शामिल रहें। किसी भी किस्म की शोर शराबे से और बदतमीज़ी से इसको पाक रखें। और मैं ख़ास तौर से उन नौजवान साथियों से मुखातिब हूँ जो बाइक्स के ऊपर आते हैं, बाइक्स को साइलेंसर निकाल कर या फिर एक्सीलेटर को ज़्यादा देकर आवाज़ करते हैं, या फिर चेहरों पर अरश वगैरह मलकर अपने खुशी और जोश का इजहार करते हैं। मैं इन तमाम नौजवानों से अदबन गुजारिश करता हूँ कि भाई, ये कोई ऐसा वैसा जुलूस नहीं, ये इंतहाई मुतबर्रिक और मुक़द्दस जुलूस है। ये हमारे आखाए नामदार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कल मंगलवार दिनांक 19 तारीख को हज़रत मोहम्मद पैगंबर का जन्मदिन मनाया जा रहा है। ये पैगंबर साहब का जन्मदिन पूरे हिंदुस्तान में मनाया जाता है, उसी तरह से बिदर में भी मनाया जा रहा है। मैं इस शुभ अवसर पर बिदर के सभी मुस्लिम भाइयों को और बहनों को हज़रत मोहम्मद पैगंबर के जन्मदिन की बधाई देता हूँ। मिलादुल नबी का त्यौहार बड़े शांति, प्रेम और भाईचारे के साथ मनाए, ऐसी उनसे विनती करता हूँ। जो संदेश हज़रत मोहम्मद पैगंबर ने दिया है, उन संदेशों का, उनके आदर्शों का पालन करते हुए बिदर में शांति से और सौहार्द से ये ईद मनाएंगे, ऐसी आशा करता हूँ। और फिर एक बार मुस्लिम भाइयों को बधाई देता हूँ। आपका परिचय? मैं नंद किशोर वर्मा, माजी जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी बीदर, कर्नाटक। धन्यवाद।